सो वेलकम बैक यार गाइस, कैसे हो आप लोग। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे बिग बॉस 16 के विनर बन चुके हैं एमसी स्टैन। सो गाइस, ये बात तो सभी लोगों को पता होगी कि हमें पहले से ही पता था कि हमारे विनर होने वाले हैं एमसी स्टैन। क्यों? क्योंकि उनके इतने ज्यादा फॉलोअर्स, सपोर्टर्स और वोटर्स थे जो कि शिव भाई के थे सिर्फ 30% उनके मुकाबले। तो फिर भी शिव भाई को बीच में खड़ा कर दिया गया क्योंकि फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी पड़ती है और बीच में सलमान खान भी खड़े हुए थे। एंड द विनर ऑफ बिग बॉस सीजन 16 गोस टू एमसी स्टैन। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से बहुत। तो आप लोगों को तो पता ही यार, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है बिग बॉस को, मोटा तगड़ा पैसा जो छापना होता है। हसदे चेहरियां दा मतलब ये नहीं हुंदा कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं हुंदी, ओदा मतलब ये हुंदा कि उन्होंने तकलीफां नाल डील करना हुंदा। बिल्कुल सही। सो गाइस, एक दो महीने पहले की बात है कि जो हमारे बादशाह हैं उन्होंने एक छोटी सी क्लिप अपनी बनाई थी, तो आई थिंक वो ब्लॉगर्स के ऊपर उन्होंने बनाई थी, तो एक बार आप भी देख लो। मुझे ना ब्लॉग्स देखने में मजा आता है, मतलब मैं देख लेता हूँ रैंडमली, मतलब जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा होता हूँ यूट्यूब वगैरह या कुछ, कितने फॉलो नहीं करता लेकिन देखता हूँ, मेरे को मजा आता है जेन्युइनली। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बट बाथरूम ब्लॉग्स नहीं मुझे समझ आया, मतलब हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल, ये रहा मेरा संडास, या मैं नहाता हूँ या मैं हंसता हूँ, बाथरूम ब्लॉग्स मैं मिस कर रहा हूँ। सो गाइस, जहां तक मुझे लगता है कि ये सौरव जोशी के ऊपर बनाई है, क्योंकि सौरव जोशी ही अपना बाथरूम, अपना टॉयलेट वो दिखाते रहते हैं। ये देखो, जोशी को ट्रॉल किया क्योंकि आपको पता होगा सौरव जोशी बाथरूम व्लॉग्स बनाते हैं। सो गाइस, अब थोड़ी सी नजर मार लेते हैं हम इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर भी। सो गाइस, देखो यार, ये जो दीदी थी ये अपने भाई या बॉयफ्रेंड के साथ देखने गई थी मैच। आई डोंट नो कौन है इसका भाई है या बॉयफ्रेंड है, जो भी है, तो इसके भाई या बॉयफ्रेंड को मैच पसंद नहीं आया, मैच बोरिंग था, तो वो मैच की जगह इसका मेकअप देखने लग गया। और अब तुम लोग ही देखो क्या हो गया। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। ये तो माहौल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया। सो गाइस, देखो यार, इनका माहौल तो गर्म हो गया, लेकिन आप लोगों का माहौल हम ठंडा नहीं होने देंगे, आप लोगों का भी हम माहौल गर्म ही रखेंगे। तो चलो नेक्स्ट रील देखो। अरे नेक्स्ट रील लगा रहे एडिटर। मगर क्यों भाई, होती है स्कूल में मैडम आती हैं, टीचर आते हैं स्कूल में, तो अभी लॉकडाउन के कारण बंद चल रहा है, तो मैडम या सर कहाँ से आ गए। पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई सरकारी स्कूल में पढ़ाई कैसा होता है? रुको जरा, आगे क्या करना चाहते हो बड़े होके? मतलब अभी तो 10वां पास करना, फिर इंटर पास करना है, और उसके बाद पास करना है, तो सोचेंगे अभी से क्या सोचेंगे कि हम वहाँ करें यहाँ करें। सो गाइस, यही है हमारे सिग्मा लौंडे, जो कि आगे चल के केजरीवाल और मोदी की तरह बनके हमारे देश को संभालेंगे। बताओ। अरे भाई, तूने इकोनॉमिक्स का टेक्स्ट बुक लाया क्या? वो इकोनॉमिक्स की मिस बोली थी जो टेक्स्ट बुक नहीं लाएगा ना कल उसको बाहर खड़ा करेंगे। मैंने तो लाया। मैंने नहीं लाया। तो तू नहीं लाया? ठीक है, फिर मैंने भी नहीं लाया। अरे थकेश भाई, आप और वो यहाँ, तो वहाँ पे रोस्टिंग कौन कर रहा है आपके चैनल पे? मैं देखो यार थकेश भाई, आप पूरा दिन अपने फ्लैट पे बैठ करके रोस्टिंग वीडियोस बनाते हो, मतलब क्रिंज वीडियोस बनाते हो, तो फिर अपना स्कूल का होमवर्क कहाँ से करोगे बताओ? फिर पनिशमेंट तो लेनी पड़ेगी ना, और मैडम से तो भीख मांगने पड़ेगी कि मैडम कल ले आऊंगा, मैडम प्लीज छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। देवी, देवी, मैं ना बहुत स्मार्ट हूँ। ये तो दीदी आपको देख के पता लग रहा है कि आप कितनी स्मार्ट हो। स्मार्ट कैसे? वो ना चोर आया था और वो गाड़ी चोरी कर रहा था और ना वो विंडो तोड़ रहा था, तो मैंने उसको बोला कि विंडो मत तोड़ो, गाड़ी नहीं है और ये कीज रख लो, तो उसने विंडो नहीं तोड़ी। सो देखो यार गाइस, ये वही लोग हैं जब दिमाग बट रहा था ना, तो ये लोग गधे की घास खाने गए हुए थे। फिर दिमाग तो यहाँ पे रहा नहीं, क्योंकि दिमाग तो लगे एमसी स्टैन और कुकरेजा जैसे लोग, तो इनके दिमाग में डाला गया घोड़े का क्रिंज भरा गोबर। गोबर, अरे बे, मेरे होते हुए तुम क्यों बैग उठाओगी? हाँ हाँ, उसका कंधा जो रगड़ जाएगा, बेचारी पहले से इतनी पतली है। यहाँ पे तो तू लड़की के सामने बहुत हीरोगिरी कर रहा है, जब माँ बाप कुछ काम के लिए बोलते होगे तो 100 फीट दूर भागता होगा। बात तो सही है। कितना हुआ हमारा? 100 रुपया। हाँ भाई, तेरा बाप तो जैसे अंबानी है। हाँ भाई, तो ये लौंडा वही है जब फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर रेस्टोरेंट पे आए होते ना, तो कई फ्रेंड्स बोलते हैं कि मेरा बटुआ तो घर में रह गया, तो वही लोग हैं ये। समझ के भी ना, समझ
भगाओ उसको, पूरे कुत्ते से डर लगता है, प्लीज प्लीज भगाना उसको, प्लीज प्लीज। कुत्ता है वो, शेर नहीं। देख यार, पूरी वीडियो में तो तू बन रहा था शेर और मजनू, अब लास्ट में तो कुत्ते से डर के बन गया गधे की गालियां नहीं पे, गालियां नहीं। ऐसे गाली दे रहा है कोई? क्या बोल रहा है? बहिन चोद बोल रहा। लास्ट में गलहरी की तरह उछल गया। गाय क्या पीती है? दूध। गाय क्या पीती है? दूध। जैसे तुम पीती हो क्या? दूध। देखो यार, गाय तो दूध नहीं पीती है, लेकिन गाय का बच्चा जरूर दूध पीता है। बड़ी गाय पानी पीती है, ठीक है? तुम लड़कियों की तरह दूध नहीं पीती है, ना खून पीती है। सही खेल गया बहन। सो बस गाइस, इतना ही। अपने प्यारे भाई की वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ हर एक ग्रुप में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।